एंट्री के लिए हम सभी तैयार हैं, पर मुझे थोड़ा मुझे जानना है कि आज लड़के वाले और लड़की वालों की ओर से कौन कौन आए हैं। मतलब मेरे पापा लड़के वाले, मुकेश की ओर से कौन कौन आया है, थोड़ा शोर मचाइए। दोनों ऊपर करके शोर मचाए, क्या बात है। चलिए, हमारी लड़की वाले मतलब जिम्मी की ओर से कौन कौन आया है, शोर मचाइए। ये हुई ना बात, बस यही एनर्जी बनाए रखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज उन्हें एंट्री गेट पे अपनी पोजीशन में खड़ा कर दीजिए, क्योंकि एंट्री के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं, हम सभी रेडी हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ही मैजिकल एंट्री होने वाली है। तो सबकी नजरें मेरी ओर तो होनी चाहिए, पर ऑफकोर्स वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि आज जो मेरे किंग एंड क्वीन है, फाइनली उनका हम स्वागत करने जा रहे हैं। प्लीज रेज द वॉल्यूम हाई रखिएगा। ओके, सो वी आर रेडी विद द एंट्री, हम एंट्री के लिए तैयार है। यस, सो इसी के साथ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and let's welcome none other than our king and queen, a hero and a heroine. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past a satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do. La la, love me like you do, love me like you do.
like you do, la la, love me like you do, touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do. उन्होंने भाग के शादी की थी, तो इनकी एंगेजमेंट जैसा कुछ हुआ है नहीं, शादी जैसा कुछ हुआ नहीं, तो आज वो सारी चीज हम करेंगे. और सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिंग एक्सचेंज के साथ. सो प्लीज रिंग प्लेटर लाई जाए. भाग की शादी नहीं की है तो भाग की शादी जो दादा मने के ना लव मैरिज करे जो भागी ने नहीं पाचा घरे जा रहा था भागी ने जोशे क्या घरे जाओ पड़े ना. अरे भाई ये कैसी रिंग है, इसमें तो ताला लगा हुआ है. उसके बाद मैं पापा को एक हिंट दूंगी और वो हिंट ऐसी होगी कि फैमिली मेंबर्स के बारे में वो हिंट होगी. उन्हें रिकॉग्नाइज करना है, उन्हें पहचानना है कि इस ताले की चाबी कौन से फैमिली मेंबर के पास है और उनके पास से जाके मांगनी है. अगर उन्होंने रॉन्ग नंबर लगाया तो उन्हें एक पनिशमेंट मिलेगी, और अगर उन्होंने सही नंबर लगाया तो उन्हें अपनी रिंग मिलेगी. तो देखते हैं क्या होता है. शुरुआत किससे करें, मम्मी से कि पापा से? मम्मी से. चले मम्मी से शुरुआत करते हैं. हिंट दे रही हूँ, तुमने हिंट आप रही छू मम्मी. तुम्हारे गेस करवानू छे कि आपड़ा जे गेस्ट छे एमाथी कोनी पासे आ ताड़ानी चाबी छे. ओके, ने एमनी पासे जेने मांगवानू छे. रेडी? हिंट कुछ ऐसी है, सोच लीजिएगा. हिंट कुछ ऐसी है, वो है घर में सबसे पॉपुलर, वो है घर में सबसे पॉपुलर, जिनका है राजघराना, जिनका है राजमहल. जब भी कोई भी दुख दर्द आए तो मेरी मम्मी दौड़ते हुए जाए उनके पास. पहचाने कौन है ये शख्स? कोई कहीं बोलतो नहीं. हाँ, एमने गेस करवा दो. आ तुम्हारे जवू पर से तुमने जेनू पर लागत हुई एमनो. यू हैव टू गो. मामा तुम्हारे पास छे चाबी नथी ने? मैं नहीं दूंगी. मामी अबे फोन तो आई हो जी. मामी आओ सेट पर आओ, एक मिनट. आओ आओ आओ. मामी क्या किया जाए? रॉन्ग नंबर लगावे भाई. तुम्हारी बात करी हम घरना मुखिया हम राजघराना ने क्या गया जो शू के हो तुम्हारे जेंट्स फर्स्ट. जेंट्स फर्स्ट? हां, मामा पासे पहला गया. तो अबे तुम्हारो शू के हो जो तुम्हारे हमने चाबी आपी छे के नथी आपी? नथी आपी. शू करा भी उने? एक काम करिए, हमने छे ना आपड़े तुम्हारा माटे गीत गवड़ावी. वेट, मामी माटे गीत तुम्हारे गाओ पड़से. कई पण दुख दर्द होय ने सीधू दौड़ता दौड़ता हीना बंगलोस गाओ गीत. मामी आ तो जोरदार. सो चलो मैंने कांग्रेचुलेशन. एमने चाबी आपी छे के नहीं? हमें तुम्हारा
દઉં છે કે નહીં આપવાનો? આપી દઈએ એમને, એમની ચાવી આપી દો, પપ્પા પાસે પછી આપણે જઈએ. તો ફાઇનલી ઓકે, ચાલો. થેન્ક યુ સો મચ મામી. હવે તમારા તરફ, હવે પપ્પા તરફ આગળ વધીએ. પપ્પા, તમારા માટેની હિંટ ધ્યાનથી સાંભળજો. હિંટ કુછ એસી હૈ, વો ઘર મેં હૈ સબસે બડે, વો ઘર મેં હૈ સબસે બડે, ઉનકે આશીર્વાદ કે બિના કોઈ ભી કામ નહીં હોતા હમારે ઘર. આજ સુબહ ભી જિનકે આશીર્વાદ સે હી હમને અગ્રો પ્રવેશ કિયા, જિનકી બ્લેસિંગ્સ કે બિના કોઈ ભી કાર્યક્રમ હમારે લિયે અધૂરા હૈ. વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેમિલી મેમ્બર હૈ હમારી જિંદગી કે, જિન્હોને હમારે લિયે સબ કુછ કિયા હૈ. કોન? દાદાજી. જાઓ દાદાજી પાસે. દાદાજી, તમારી પાસે ચાવી છે કે નથી? તમને કોઈ ચાવી આપી છે? તમારી પાસે કોઈ ચાવી છે દાદાજી? હિના બંગલો થી નથી માંગતી. હું તમારા તાળા ની કોઈ ચાવી છે? તમારા કબાટ ની ચાવી નહીં માંગતી હું. મારા માં એટલી હિંમત નથી, ટેન્શન નહીં લો. હા, કોઈ ચાવી છે તમારી પાસે? કોઈ નહીં દાદાજી, નથી કબાટ ની ચાવી. આમાં આમાં જો ને, આમાં એક વાર હશે. દરેક ચાવી આપો. આ હકી માંગે છે, મારા પપ્પા આજ સુધી માંગ્યું નથી. આપો કે નહીં? તમારા માટે પણ એક ગીત ગાવડાવીએ. ચાલો, ગીત ગાવ દાદાજી માટે. દાદાજી, દાદાજી માન જાઓ, ચાવી દો, જલ્દી જલ્દી ચાવી દો. દાદાજી, દાદાજી માન જાઓ. ઓ દાદાજી, ચાવી કા મૂકી તમે? દાદાજી લાગ્યું અમને હિના બંગલોસ ની છે, એટલે દાદાજી એ કસો મૂકી દીધી. ઓકે ઓકે, ચલો ભાઈ ચાવી આપો. ચાવી સેકન્ડ સેકન્ડ કોપી છે કે નહીં ચાવી ની? દાદાજી પાસે ચાવી હતી. દાદાજીને એવું લાગ્યું હિના બંગલોસ ની મારા કબાટ ની ચાવી છે. દાદાજી ખબર નહીં ક્યાં છુપાવી દીધી છે. ઓકે, આવી જાઓ પપ્પા. પપ્પા પ્લીઝ, લગ્ન પહેલા પણ અમને રિંગ એક્સચેન્જ નથી કર્યો. ફર્સ્ટ એવર ટાઈમ લાઈફમાં અત્યારે એકબીજાને રિંગ પહેરાવવા જઈ રહ્યા છે. ધીસ ઇઝ રિયલી વેરી સ્પેશિયલ મોમેન્ટ ફોર ધેમ. સો મેક શ્યોર ઇટ ફાઇનલી. જિનકે લિયે મેરી મમ્મી ને ઇંતઝાર કિયા, નિશાંત શર્મા, વો યહાં પે આ ચુકે હૈ. ભાઈ સાહેબ, આપને જો લેટ કિયા હૈ, આપકી વજહ સબને ઇંતઝાર કિયા હૈ. ઓકે, પર બને રહીએગા. અનલોક હો ગઈ કે નહીં? હો ગઈ, હો ગઈ. ઓકે, ઇસીકે સાથ આપ સભી કી જોરદાર તાળીઓ કે બીચ મે લેટ્સ મૂવ ટુ ધ રિંગ એક્સચેન્જ. और अगर आपको कोई इनका स्टेप अच्छा लगे तो जरूर इनके लिए Thank you.
को जिसे कहते हैं मन की बात मामी और मासी के साथ। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। जब से हुई है शादी महारानी से माफी मांगनी ही पड़ेगी, तभी कुछ सही हो सकता है। फिर होना क्या था, पापा गए मम्मी के पास माफी मांगने, और आइए चलिए देखते हैं मम्मी ने उन्हें माफी दी कि नहीं। आप सबकी निगाहें यहाँ स्टेज के ऊपर होनी चाहिए और इस सरप्राइज के लिए सब एक्साइटेड हो जाइए, क्योंकि मुझे भी बस इतना ही पता है कि निशांत अनाउंस कर दो कि एक सरप्राइज डांस है। आंटी एंड कौन हो सकता है साथ में, अंकल भाई इसको भी सरप्राइज रखते हैं ना। ओके डीजे, सो गेट रेडी विद द म्यूजिक। परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परी।
और ये स्वर्ग का सपना मुझे दिखाया था कई सालों पहले मेरी नानी ने, जिनका 10 साल पहले देहांत हो गया। मैं बचपन से यही सपना देखते हैं, घर 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 चाहिए, घर चाहिए, घर चाहिए। देन मेरी मम्मी, एंड मेरी मम्मी के बाद ये सपना
मेरा, और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि भगवान की दुआओं से, आप सभी के सपोर्ट से आज मैं सपने को पूरा कर पाई हूँ, अपना घर, मैं ये घर मम्मी डैडी को गिफ्ट कर पाई हूँ। आई एम रियली ब्लेस्ड, आप सभी का सपोर्ट, भगवान का आशीर्वाद। और मेरे सिर्फ ये दो हाथ नहीं है, मेरे छह हाथ हैं जो मेरे मम्मी डैडी के हैं। मेरे सिर्फ एक दिमाग नहीं है, तीन दिमाग है मेरे मम्मी डैडी। उनके सपोर्ट के बिना मैं यहाँ पे पहुँचना, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। बहुत फिल्मी हो जाएगा पर ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी, इतने शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, इतने शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज मुझे मेरी कायनात ने मिलाया है मेरे सपनों के घर से, AJ's पैराडाइज से। इससे बड़ा खुशी का मौका मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। एंड थैंक यू सो मच ईच एंड ऑल ऑफ यू। फाइनली मैं मेरा सपना पूरा कर पाई और मम्मी डैडी को उनका सपनों का घर गिफ्ट कर पाई। सो यही है, दिस इज कॉल्ड AJ एंकर जूबिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और मुझे मेरे नाम पे बहुत गर्व है। जब से मैंने मेरा नाम चेंज किया है ना, जूही से एंकर जूही किया ना, तब से मेरी जिंदगी बदल गई है। एंड आई कैन नॉट फॉरगॉट माय किशी, मेरा लकी चार्म। जब से मेरे जीवन में आए उसके दो महीने के बाद, तुरंत पता नहीं कौन कहां से मुझे खोज के गया और मुझे एंकरिंग के लिए उन्होंने अप्रोच किया। किशी, ओह माय लव्ड वन। लोग कहते ना ये सिर्फ डॉगी है, दिस इज नॉट अ डॉग, दिस इज माय बच्चा, दिस इज एवरीथिंग फॉर मी। मतलब इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये सिर्फ डॉग नहीं है, इसने मेरा जीवन बदला। ये लक्ष्मी है मेरे घर की। एक बार मैं लक्ष्मी के लिए जोरदार ताली बजाऊं। शी इज अ लकी चार्म फॉर मी। इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन। नाउ ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, प्लीज।
थशे वंस मोर थशे 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 हाँ 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 मीट सर के केवा मांगे छे सर प्लीज पहला तो तुम्हें पानी पी लो प्लीज सॉरी ઘણા બધા કમિટમેન્ટ્સ છે એમ જેમ તમે આવશો આ સ્ટેજ પર જ્યારે તમારે આવા કમિટમેન્ટ્સ હશે એટલે મારે ભાગવું પડે એવું છે પણ આમ તો મેં પત્ર લખ્યો છે તમારા નામે અને એ તમે વાંચ્યો છે પણ એટલું જ કહેવાનું નાની ઉંમરે આ ડિંગલીએ બહુ મોટા પરાક્રમો કર્યા છે એટલે પહેલાં તો જોરદાર તાળીઓ એના માટે થઈ જાય કારણ કે અમે જ્યારે ઘર કર્યું ત્યારે એ ઘર મારી એ ત્યારે 36 વર્ષની હતી એટલે હજી છેલ્લા 4-5 વર્ષ પહેલાં જ ઘર થયું પણ આ ડિંગલીએ આઈ થિંક અંડર 30 મંથ્સ રાઈટ 26 વર્ષમાં એટલે 10 વર્ષ પહેલાં જ ઘર કર્યું બહુ જોરદાર તાળીઓ એના માટે થાય કારણ કે આના માટે બહુ જ મહેનત કરવી પડે એન્ડ અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીનું એક ઝળહળતો સિતારો કે જે ધીરે 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 મક્કમ ગતિ આગળ વધે છે એને શુભકામનાઓ ખૂબ આપવાની અને જે રીતે તમે સપોર્ટ કરો છો એ કાબિલે તારીફ છે અને એના માટે ખરેખર તમને સેલ્યુટ કરવાનું કે જ્યારે મમ્મીનો આટલો સપોર્ટ હોય ને ત્યારે દીકરીઓ આગળ વધી શકે એટલે આમ જનરલી હિરોઇન્સ જે હોય ને એના મમ્મી આ રીતે જોડે જોડે રહેતા હોય એટલે તમારા કેસમાં પણ એવું જ છે ને તમને સેલિબ્રિટી બનાવી દે રહેશે રાઈટ થેન્ક યુ સો મચ એવરીવન કોંગ્રેચ્યુલેશન ટુ સાયકલવાલા પરિવાર કે તમે ખૂબ સરફળ રીતે આ મુકામે પહોંચ્યા છો અને હજી આ શરૂઆત છે એટલે તમે જેવું સિનિયર વર્ડ વાપર્યું એના આધારે જ કહું છું પહેલી સફળતા મળે એના પછી અપેક્ષાઓ સંઘર્ષો નવા લેવલના ટફનેસ જે છે એ વધતા હોય છે એટલે હવે એની તૈયારી કરવા માંડજો કારણ કે એક મુકામે પહોંચવું એ સફળતા છે પણ ત્યાં ટકી રહેવું એ ખરેખર મોટી સફળતા છે રાઈટ સો આગળ વધજો થેન્ક યુ સો મચ થેન્ક યુ સો મચ આપ સાથે થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ધ ફેમિલી મેમ્બર્સ થેન્ક યુ મેરે પાસ મત આના અપની વાઇફ કે વાપસ પાસ આના ઓર હાથો મે હાથ ડાલ કે વો સામાન લેકે ખડે હો જાના ઠીક હે ડીજે તૈયાર હો જાઓ જો પહેલા સામાન સિર્ફ હસબન્ડ્સ કો જાના હે સિર્ફ મેલ કેન્ડિડેટ જાય વાઇફ વહી ખડી રહેંગી ઓર આકે સામાન લેકે વાપસ અપની બાહુક મે अपनी वाइफ है डरो मत सर पकड़ पकड़ के रखो हाँ आप तो खास ख्याल रखो ज्यादा तैयार होकर आइए तो चलिए आपको जो पहला सामान लेकर आना है वो है एक काले रंग का डीजे म्यूजिक तैयार हो रहा है अरे रुको सर कितनी जल्दी एक काले रंग का आजू बाजू वालों से मत है ना ऑडियंस में से लेकर आना इतने गेस्ट बैठे ना यहाँ पीछे पीछे तक उन सबके पास से लेकर आना अगल बगल से लाओगे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे काले रंग का कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती म्यूजिक बच्चा 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 दिखवा सफेद रंग का हस्बैंड सही खड़े रहेंगे वाइफ जाएगी और लेके अपने हस्बैंड के पास आ जाएगी क्या बोला मैडम कानों में ओ माँ यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो दिख रहा हमको सब कुछ एक सफेद रंग का रूमाल एक मिनट टिश्यू पेपर लाने गई थी रुमाल मैंने इतना टाइम ना गर्मी में रुमाल नहीं छोड़ा
आपको गोद में नहीं उठाना, पर आपको अपने हस्बैंड को डांडिया समझते समझते बजा के लेके जाना है, ठीक है? ये नहीं बजाना है। नहीं, फिर ये यहाँ बजाओगे आप घर जाके मार खाओगे, अच्छा लगेगा बताओ? नहीं मार खाएंगे। चलिए, सो गरबा का ट्रैक बजेगा ना, आपको गरबा करते करते एग्जिट ले रहा है, ठीक है? रेडी एक और कपल को नहीं मिला, इसको नहीं मिला, सर ऐसे सामने सामने देखो ना एक दूसरे, अरे एक दूसरे के नहीं कपल के, अरे भगवान ऐसे कमर, हाँ एक हाथ ऐसे सीधा करो, अभी सीधा करो बस, वेरी गुड, और सीधे सीधे एग्जिट लेना। बजाओ म्यूजिक डीजे, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, देखो आप सभी को पता है इट्स अ ब्यूटीफुल लव मैरिज, तो फिलहाल मैं बस यहाँ पर इतना ही जानना चाहूंगा कि आज की शाम को संगीत नाइट में कन्वर्ट करें तो कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो हमारे लड़के वाले बनकर आए, मतलब अंकल के साइड में कितने लोग हैं, जरा शोर मचा था, कमान शोर मचा के बताओ, अंकल अंकल के साइड के ज्यादा लोग लग रहे हैं मेरे को, जितने भी लड़के वाले एक बार फिर से शोर मचा था, कमान बोले तो हमारी जूही जी की मॉम, बोले तो लड़की वालों की तरफ से कितने लोग हैं? ये लड़के वालों ने नाक कटारी क्या कर रहे हो, ये देख लोगे तो चिल्ला रहे, थोड़ी एनर्जी लगाओ यार, एक मिनट वापस होगा, लड़के वालों वाला रुक वापस एक बार फिर से, लड़के वाले कितने, जरा शोर मचाओ, लड़के वाले लड़की वाले दोनों बराबर है यहाँ पर, तो इंतजार किस बात का है, लेकिन लड़की वालों में इतना जोश डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लुक एट द हॉटनेस, मैं तो मानती ही नहीं कि ये हमारी जूही जी की मॉम है, लुक एट हर, सो वेल लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो आप सभी की दिल की धड़कन है,
उनकी एक आवाज से लोगों के दिल की धड़कनें रुक सी जाती है. Well, any guesses? Yes. Any guesses? Well, ladies and gentlemen. हाँ बोलो बोलो. एंगल जोही. Oh, all right, all right. So जोही चाह छोकरानो गैस जैसे तो right है कि नहीं? Okay. So boys and girls, ladies and gentlemen, with this, I would like to give this heartwarming dedication performance, and that is for no one other than the very beautiful, the very gorgeous Kissy. Well, तमें जो विचारियों ने ते नहीं, expect the unexpected from anchor Shiva में एक बार जोरदार तालियां हो जाए. Yeah.
small effort of making you feel special on this special day. So I hope आपको अच्छा लगा हो. सीधा दिल से यहाँ पर आपके लिए प्रस्तुत किया था. So well, many many congratulations, jury, on the occasion of owning your dream paradise. No. I've been short of words. More power and love to you. You know I'm always there for you. All right. So well, I don't know whom should I over to it. Jui. Oh my God. Okay. So, हमें से करी बता भी उसे हैं जितना मोटो दिवस है कारण के सपना नो करी like everyone's dream, right? Okay. अने all this that has been possible because of the God effort. तो आपने अंबे मानो नाम लियो छे तो हमने जयकारों पर करी लिए. बोलो अंबे. So much, and this was the entire anchor community. यहाँ आके anchor ने जमा था अभी से आप सब ने मनोरंजन करवा जो आप सब ने कमी हुई थी वो जोरदार ताली से इसे. अगर अम्मे मनी बात आ गई तो वो एक एक बात हूँ करीश मुझे कहनी थी पर मैं कह नहीं पाई. मैंने बहुत ट्राई किया ये मेरे पैराडाइज के लिए कुछ हो नहीं रहा था. मैंने सारी होप्स छोड़ दी थी एंड देन सडनली नवरात्रि के निशांत के साथ ही इस साल मैंने नवरात्रि की थी. नवरात्रि के फोर्थ अम्बे माँ की कृपा, गणपति बापा की कृपा, महादेव की कृपा और इनकी कृपा से नवरात्रि के चौथे दिन हमारा घर हुआ. और इससे बड़ा मैजिक मैंने इस साल ऐसे ऐसे मैजिक देखे मेरे जीवन के साथ कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स. सो दिस इज मिरेकल फॉर मी. मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी एंड अम्बे माँ की कृपा से मेरे नवरात्रि के चौथे नौरते पे मेरा घर हुआ था. एंड फिर से जय 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 जयकारा बुलवाना चाहूँगी. बोलो श्री अम्बे मात की जय. श्री राम. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. The roundabout me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. देखो देखो है शाम बड़ी दीपा.
Thank you so much. Thank you so much, everyone.